सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगी। हम भी एकदम ठीक है। आज है 14 जनवरी 2023, साल का दूसरा त्यौहार। पहला त्यौहार है लोहड़ी और दूसरा त्यौहार है मकर संक्रांति। तो भद्रवाही में इसको एक डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति को भद्रवाही में बोलते हैं उठलांड। आज है उठलांड। तो जो व्लॉग होने वाला है ना, ये मिक्सड आने वाला है। इसमें भद्रवाही लैंग्वेज भी होगी और साथ में हिंदी लैंग्वेज भी रहने वाली है। तो इस फेस्टिवल में जो भी काम होता है, मेनली दान का ही काम होता है, दान करना होता है, या भद्रवाही में इसको बोलते हैं मंसना, खिचड़ी मंसना बोलते हैं इसको। तो सब रहने वाला है, पूरा कवर करने वालों में। तो एंड तक जरूर बने रहें। और बर्फ पड़ी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले ये जो जगह है ना, घर की आप कोई भी जगह ले सकते हो, उसको ऐसे झाड़ू मार के फिर ऊपर से पोंछा मार के इस जगह को बिल्कुल साफ करना होता है। और फिर साफ करने के बाद इसमें डालेंगे हम मक्खियाँ। हम जन्नू के सलाह देना हमारी मक्खियां। और ये है साथ में का, ये है पवित्र घास। ये बाकी हल्दी, नमक, चावल, दाल, घी भी मतलब होते है इसमें, पानी। तो हमने इसमें मक्खियां डाल दी हैं। तो जितने भी घर के लोग हैं ना, तो उनके लिए हम यहाँ पर ऐसे ढेर बनाएंगे। तो हम घर के 5 लोग हैं, तो पूरे 5 ऐसे मक्की के ढेर बनेंगे। ज़्यादा से डालना। ये बन गया एक। और ऐसे ही हमने पूरे 5 ढेर बनाने। आपके घर में जितने लोग हैं तो उसी हिसाब से ही आपको ये ढेर बनाने होते हैं। अपना नाम, अपना गोत्र, इसको जब दान तो ये जो घास है ना, इसको बोलते हैं का। तो इसके जितने हमने ढेर बनाए हैं ना, टुकड़े सभी ढेरों के ऊपर डालेंगे। एक एक डाल दे, जैसे इसके ऊपर डाल दिया, फिर इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर डाल दिया है, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी डाल दिया ना, पांचों के ऊपर। तो अब बारी है खिचड़ी मंथने की, मतलब कि दान करने की। पहले जाएंगे हमारे घर के बुजुर्ग अम्मा। अम्मा कौन कौन सोता? अपने नाव तो गोत्र जोतना। अम्मा क्या कंजूसियत 50 रुपए चढ़ा रहे हो? ज्यादा से 100 रुपए चढ़ा, तुम पता नहीं पैसे बिल्कुल नहीं मिलते ना, ज्यादा से चढ़ाओ। हमने जनेऊ भी धारण किया हुआ है, तो जनेऊ को हम इस तरीके से लगाएंगे, राइट हैंड बाहर लगाएंगे, निकालेंगे। तो अब हम दान करेंगे। तो दान कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो का है इसको हाथ में पकड़ेंगे, साथ में लेंगे जनेऊ, फिर ऐसे पानी को लेंगे और 3 बार करेंगे, अपना नाम लेंगे और अपना गोत्र। उसके बाद फिर से पानी, और ये जो दाल चावल है इनको भी हम दान कर देंगे। तो उसके बाद डालेंगे ये जो पैसे हैं, ये पैसे घर की लड़की को ही मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा से पैसे डाले हैं ऐसे। और फिर भगवान से दुआ। तो बस यही प्रोसीजर है।
तो भाई जिस थाली में है जो घी और अखरोट, तो इसकी देंगे हम आहुति, मतलब अग्निदेव को चढ़ाएंगे। तो ये सारे चढ़ाएंगे, तो मैं भी जरा डालता हूँ यहाँ से। जय हो भगवान जी। हाँ, उसके बाद ये जो अखरोट है ना, इसको हमें भूनना है। तो इसको मैं ऐसे आग में रखता हूँ, तो जब ये पूरा जल जाएगा इसको हम तोड़ेंगे और इसका टीका लगाएंगे। कोड़ी बखारी माँ बुजोन उड़ी भी छा। तो गाइस हमने दान कर दिया है, जो मक्खियाँ हैं इनका हमने दान कर दिया, साथ में दाल चावल घी नमक हल्दी जो भी उनका भी दान कर दिया है। तो जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप मक्खियों का ही दान करें, तो जहाँ पर चावल होते हैं तो वो लोग वहाँ पर चावल के ढेर बनाते हैं, उनका दान करते हैं। तो अब हम जाएंगे, आज के दिन में जो ब्रेकफास्ट में जो खाना है ना, वो सिर्फ खिचड़ी ही बनती है। जो भद्रवासी हैं उनको अच्छे से पता कि आज खिचड़ी ही बनती है, तो खिचड़ी खाएंगे। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुई है। और शाम को जो है ना, रात को हैवी स्नोफॉल हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि उतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ी है, मगर ये जो बर्फ़ है ना, ये टीन के ऊपर से गिरी है, तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बाकी यहाँ से ग्राउंड में है, तो एक सेकेंड, ये देखिए मेरा पैर भी पूरा नहीं डूब रहा है, लगभग इतनी इतनी बर्फ पड़ी है। हाँ, तो ये तो मिल गए ना ज़्यादा पैसे। हाँ, और जो ये पैसे हमने दान किए हैं ना, ये सारे पैसे जाएंगे घर की जो लड़की है, तो घर की लड़की हमारे यहाँ पर है पल्लू, तो सिर्फ जो उसने दान किया पैसे वो नहीं ले सकती। बाकी जो मैंने, मम्मी ने, दादी ने और जो पापा की तरफ से दान किया, वो इसी को ही मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर, बाहर ठंड है, मैंने सिर्फ चप्पल ही पहनी है। तो खाएंगे खिचड़ी, इसका मतलब उठलान, उठलान के दिन खिचड़ी ही बनती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ये देखिए हमारा अखरोट जो पूरी तरह से भून चुका है, तो इसका जो है ये टीका ऐसे मैंने लगा लिया है। तो उनको नहीं कुपाए बुट मैं लगाऊंगा। तो ये आ गई है खिचड़ी की थाली। अभी का टाइम है 10, तो ये खिचड़ी है, इसमें घी डाला हुआ है, साथ में मूली है और साथ में होगा अचार। आज के दिन जो ब्रेकफास्ट में पूरे भद्रवाही, आज के दिन जो है ब्रेकफास्ट में सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, जिसको बदले बोलते हैं उठलान। तो उठलान का महत्व यही है कि आपको खिचड़ी खानी होती है। तो गाइस खिचड़ी हमने खा ली है, और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लाने, क्योंकि जो दूध है वो हम सुबह लाते हैं, और आज तो हम सुबह से ही बिजी थे। तो खाना खाकर मैं जा रहा हूँ दूध लाने, और आपको मैं गांव का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि कौन कौन बाहर है और क्या काम कर रहे हैं। बाकी ये है हमारे गाँव की मेन पार्क, दुकान खुली हुई है, और एक आध आदमी जो है ऊपर से आ रहे हैं, ये बर्फ उठा रहे हैं। तो गाइज आ गए हम घर में, तो यहीं पर करते हैं हम अपने आज के व्लॉग को एंड। तो ये था गाइज भद्रवाह का ट्रेडिशन, जिसको उठलान बोलते हैं। तो आई होप गाइज आपने व्लॉग को एंजॉय किया, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।